हमारे बीच में नहीं रहे हैं, इसका दुख हर व्यक्ति को जो यहाँ बैठा है उसको है। अगर उसके बावजूद भी कोई किसे राजनीति करने की कोशिश ना करे, इस पर बहुत कुछ हो चुका है, कहीं शासन प्रशासन की कमियां नहीं है, सबको पीड़ा है। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी मैं जो भाई दानिश जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, किसी ने आज अखबार में किसी ने ये भी छापा है, साहब वो मेरा अस्पताल है, बीजेपी वालों का अस्पताल है, वो संतुष्ट नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आज उसने अपने भाई अफजाल का हाथ पकड़ा है, उसने उसको पहचाना है, अपनी जीभ दिखाई है, उसने कहा तुम मुझे पहचान रहे, हमें खुशी है कि वो बच्चा हंसी खुशी गाँव में वापस आए। किसी ने ये नहीं कहा है, सब लोग, मैं इनकी तरफ से सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ, हर गांव का मुस्लिम यहाँ रहे, हंसी खुशी से रहे, जिस तरह परिवार भाव से रहता भाव से रहे। ये सब बातें हैं कि गलतफहमी हुई, अफवाह कहिए, गलतफहमी कहिए, हादसा कहिए, लेकिन मुझे मीडिया वालों से शिकायत है जो इसमें ये सुनना चाहते हैं कि सोची सची घटना थी, ये हादसा नहीं था, शब्दों को बीच बीच में से चीर कर जो है मीडिया अपना काम कर रहा है, कृपया ना करें। और राजनीति वालों को राजनीति करने दें, पक्ष विपक्षी आप मीडिया के चौथे स्तंभ, आपसे ये अपेक्षा दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। सुनिए उनकी भी आवाज, हम उनके भी साथ, हम कहें जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी होगा उन बच्चों को, इन बच्चों ने अपने आप उन बच्चों को दिया, जाइए जांच कर लीजिए। लेकिन इस तरह की घटना को किसी भी तरह का सांप्रदायिक रूप अगर दिया गया तो इसके बुरे परिणाम होंगे। मैं सभी लोगों से, सभी पक्षों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, इसे एक हादसा मानते हुए, दुखदायी हादसा है जिसकी पीड़ा यहां बैठे सभी लोगों को है, मैं यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी इसका दर्द है, ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए। अब जो हुई उसका तकलीफ है हमें सबको, अब वो बच्चा दानिश ठीक होकर इस घर में आए, और मैं सब समाज की तरफ से प्रार्थना करता हूं सभी लोगों से, मुस्लिम भाइयों से भी, वो हंसी खुशी से इस गांव में रहे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये सब भी समाज लेगा, ये भी हम कहना चाहते हैं। नोट करें मीडिया के भाई लोग, सब लोग यहाँ हमारे भाई की तरह से रहे, वो यहीं रहेंगे, इसके अंदर यहीं रहेंगे, उनकी बहन बेटी की शादी भी हम ही करते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई दुर्भाव देखने का प्रयास कृपया करके ना करें, और वरना ऐसे राजनीतिक लोगों को ये गांव बाहर रोक देगा, अंदर नहीं आने देगा, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। जो राजनीति करना चाहते हैं, जो सांत्वना के सहारे आना चाहते हैं, आए उनका स्वागत है, परिवार को सांत्वना देने आना चाहते हैं, कोई और मदद करने आना चाहते हैं, स्वागत है उनका, लेकिन राजनीति करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, ये मैं कहकर, और अपने जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, पूरी घटना की उच्च स्तरीय स्तर पर जांच हो। कल मैंने माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को पूरी घटना का शब्दगत घटना उनको बताई, उन्हें भी दुख है, पीड़ा है, वो भी स्वयं आना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी पीड़ा है कि ये घटना हुई है, होनी नहीं चाहिए थी, किसी सभ्य समाज में इस तरह की घटना की कोई स्थान नहीं है, और इसकी पीड़ा यहाँ बैठे सब बहन बेटी भाई बूढ़े बुजुर्ग युवा सबको है, हमारे समेत। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, सबके साथ न्याय होगा, उनके साथ भी न्याय होगा, जो युवा गए हैं जेल में इनके साथ भी न्याय होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ, कोई ताली नहीं बजाएगा किसी भी तरह की, एक दुर्घटना के बीच में हम आए, हादसे के बीच में हम आए, हमें तकलीफ है, बढ़िया।